हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है खास करके बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछे हैं कि ऑनलाइन मतलब किस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि इंडिया में लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस लोगों में नॉलेज की कमी है कि उस टैलेंट को यूज़ कैसे किया जाए। और इसीलिए ये वीडियो मैंने खास करके उन सभी लोगों के लिए बनाया है कि जो शायद अपना टैलेंट यूज़ करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अच्छी इनकम भी बनाना चाहते हैं। ओके, तो उसी कोशिश कीजिए इस पूरे वीडियो में मैं जो भी बताने वाली हूँ ये कोई एक या दो बड़ी बात नहीं है, पूरा वीडियो मैंने बहुत ही सावधानी से बनाया है। और अगर आपको सीरियसली इस मेथड के द्वारा अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताने वाली हूँ कि जहाँ से आपको आपके ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत करने के लिए मदद मिल सकती है। ओके, तो चलिए शुरुआत कर। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ भी बताऊँ, आप कुछ भी बिजनेस करना शुरू करो उससे पहले आई वुड लाइक टू से कि किसी भी तरह की आप बिजनेस में आप उतरे उससे पहले उस पूरे बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। और बिकॉज़ अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑनलाइन बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर आप पूरा का पूरा नॉलेज लेने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे कम बर्बाद होंगे। ओके, या शुरुआत में थोड़े बहुत पैसे आपके लग सकते हैं लेकिन एक बार आपको अच्छे से आपका बिजनेस ऑपरेट करना आ जाए तो मुझे ये भी पता है कि कई लोग एक दिन के 4 से 5 लाख कमा रहे हैं। ओके, एंड ऐसा नहीं कि उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं, एक बस आपकी मास्टरी होनी चाहिए इस ऑनलाइन बिजनेस के उसके ऊपर तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मेथड है टीचिंग, ऑनलाइन कुछ भी सिखाना अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि जो आप शेयर करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से सीखे, वो कहाँ से सीखे, आप ये कब सिखाओगे, वो कब सिखाओगे, तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज आपके ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं कि जहाँ पर लोगों को मौका मिल सकता है कि आपके पास नॉलेज ले और उसी के साथ साथ अपने घर के कंफर्ट में बैठकर वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग के पीछे लोग बिल्कुल दीवाने हो रहे हैं। रीज़न ये है कि ड्रॉप शिपिंग में मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दिन के 50,000 कमा रहे हैं। अब 50,000 मतलब 50,000 कोई लिमिटेशन नहीं कि उतने ही कमा सकते हैं, एक दिन के आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ओके, लेकिन ये तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, दिन के 50,000 आप सोचो तो पूरे महीने के कितने हो गए, 50,000 × 3 15 लाख जितना, तो इतना भी आप कमा सकते हैं ऑनलाइन। ये कोई मजाक नहीं है, मैं किसी को उल्लू नहीं बना रही हूँ या किसी की पकी पकाई कहानी नहीं बता रही हूँ, ये मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ कि जो इतने पैसे बना रहे हैं, बस उनकी मैंने अनुमति नहीं ली है इसीलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं शेयर कर रही हूँ। ओके, तो हाँ, ड्रॉप शिपिंग के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स चुनते हैं कि जो आपके नहीं है, किसी होलसेलर के कोई प्रोडक्ट्स है कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ओके, सच में दुनिया के हज़ारों लोगों को वो प्रोडक्ट्स पसंद आ चुके हैं और आप वही प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं है, आपको किसी को कुछ भी शिप नहीं करना है, आपको किसी को कुछ भी पार्सल में डालकर भेजना नहीं है। यहाँ पर मैजिक क्या है ड्रॉप शिपिंग में कि जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर से शॉपिंग करते हैं उनकी डिटेल्स और उनकी पेमेंट का जो थोड़ा सा भाग कि जो होलसेलर का है वो और उनका एड्रेस, वो सब कुछ होलसेलर के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है।
वहाँ से वो होलसेलर वो प्रोडक्ट भेज देता है, उसको उसका पेमेंट मिल जाता है और प्रोडक्ट का पार्सल करके डायरेक्टली उस व्यक्ति को सेंड कर देंगे, भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना है बीच में, आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाकर रखना है, ओके। और मान लीजिए कि सपोज़ ये मेरे पास कैंची है, ओके। मान लो कि दुनिया के लाखों लोगों ने ये कैंची यूज़ की, उनको बहुत अच्छी लगी। जिस सेलर के पास, जिस होलसेलर के पास ये कैंची मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और दुनिया के लाखों लोगों इसे बाय कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि ये कैंची सपोज़ आपने चूज़ कर ली आपकी वेबसाइट के ऊपर रखने के लिए। अब आपको क्या करना है, कैंची का फ़ोटो रखना है, कैंची के जो गुण हैं, कौन कौन से पॉजिटिव उसके स्पेसिफिकेशन हैं, सब कुछ आपको लिस्ट करना है। इस कैंची की कीमत, होलसेल कीमत क्या है, $1, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर कौन सी प्राइस रखते हैं, $10, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे भी कोई परचेज करता है तो इसका $1 उस व्यक्ति का शिपिंग एड्रेस उस होलसेलर को पहुंच जाता है जहां से वो उस प्रोडक्ट को भेज देता है, आपकी जेब में आ गए $9। तो हो गया ना फ़ायदे का सौदा। तो इस तरह से, ये तो सिर्फ $10 का एग्ज़ाम्पल था, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि जो अलग अलग प्राइसेस के हैं, कि जो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट कितने प्राइस में रखना है। और फिर इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने पैसे कमाओ दिन में, ओके। तो यस, ड्रॉप शिपिंग भी बहुत अच्छा एक मेथड है। सी, आई वुड सजेस्ट किसी भी तरह का आप बिज़नेस करो, उससे पहले उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी पालो। ड्रॉप शिपिंग का कोर्स कर लो, ऑनलाइन बिज़नेस का कोर्स कर लो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर लो। एक बार आपको लगे कि आप बिल्कुल तैयार है, सब कुछ सीख लिया है, उसी के बाद आप अपना बिज़नेस आगे लेकर जाओ। उसके बाद अगला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आपके पास अगर कोई बिज़नेस का आइडिया नहीं है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जो बहुत गलत बात है, हर एक व्यक्ति में टैलेंट होता है, लेकिन मान लो आपका जो टैलेंट है आपको अभी तक नहीं पता कैसे उसे बिज़नेस में डाला जाए, ओके। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद की कोई वेबसाइट नहीं है, आप दूसरे व्यक्ति के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, दूसरे व्यक्ति के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करते हैं, और जब उनकी लिंक या एफिलिएट की स्पेशल लिंक होती है कि वो लिंक वो आपको देंगे, जब कोई उस लिंक के ऊपर से परचेज करेंगे तो कमीशन का थोड़ा भाग आपको मिलेगा उस पेमेंट में से। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत अच्छा एक मेथड है। इट डिपेंड्स आप किसके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, बिकॉज़ एफिलिएट मार्केटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ लोग 30% देते हैं, कुछ लोग 10% देते हैं, कुछ लोग 50% देते हैं। और जस्ट इमेजिन, अगर 50% एफिलिएट का कमीशन देने वाला कोई व्यक्ति, उसके प्रोडक्ट की फ़ीस है $2,000 और आपको उसमें से 50% मिलता है, तो कितना हो जाएगा, ओके। तो ऐसे भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ओके। तो या चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूट्यूब, अब यूट्यूब एक अच्छा ज़रिया है कि जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब की वैल्यू को बहुत कम आंकते हैं, बिकॉज़ लोग पहले जब रिसर्च करते हैं तो पूछते हैं, अच्छा इतने तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, अब आपको पेमेंट कितनी मिलती है। जैसे जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो लोग मेरे पास आते थे, प्रीति तुम्हारे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए, तुम्हारी कितनी इनकम आती है एक महीने में। और जब मैंने इनकम बताई तो उनका चेहरा थोड़ा छोटा सा हो जाता था, मुरझा जैसा जाता था, फिर कोई बात नहीं, चले जाते थे दुखी होकर। जब 10,000-12,000 सब्सक्राइबर हुए तब वापस आते हैं, प्रीति अब कितनी इनकम आती है तुम्हारी चैनल पर से। अगेन, जो सच है वो मुझे बताना पड़ता है, तो वापस उनका चेहरा मुरझा जाता है। फिर 20,000 हुए तब वापस आए, 30,000 हुए तो वापस आए। देखो, आपको एक बात बताऊं, YouTube में अगर सीरियस इनकम आपको देखनी है, जैसे $1,000 $2,000 जितने आपको पेमेंट्स चाहिए हर महीने, तो वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स या उससे ज़्यादा होते हैं,
तभी आपको मिल पाएंगे। अब ये मेरे हिसाब से है, ये 2021 का साल है, मैंने अब तक जो रिसर्च करके रखा है उसके हिसाब से है। अब इसके बाद YouTube का एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरह से पेमेंट देता है, मोनेटाइजेशन की पॉलिसी क्या होती है, उसके आधार ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्जेस कितने होते हैं 5 साल या 10 साल के बाद। ओके, लेकिन हाँ, अब तक का जो मेरा रिसर्च है, मुझे लगता है 1 मिलियन जितने सब्सक्राइबर या उससे ज़्यादा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख या उससे ज़्यादा जब सब्सक्राइबर होते हैं, तब चलकर आपको सीरियस इनकम दिखना शुरू होगी यूट्यूब में से। ओके, लेकिन आपके बिज़नेस को एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है। अगर आप पेंटर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग्स लोग बाय करें, तो आप यू नो ऑनलाइन वीडियो बनाते बनाते आप वो पेंटिंग कर सकते हैं, और बाय द एंड वीडियो ख़त्म हो उससे पहले तो वो पेंटिंग के जो ख़रीदार होंगे वो भी आपको बताएंगे, अरे अरे मुझे ये पेंटिंग ख़रीदना है, कहाँ से बाय करें। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ऑनलाइन बिजनेस को पोर्ट्रे करने का। उसके बाद है आपकी ऑनलाइन सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कि आप कुछ भी सर्विस देना चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस आप करते हैं, या फिर टैरो रीडिंग्स करते हैं, या फिर यू नो फाइनेंशियल सेवाएं देते हैं। कुछ लोग यू नो शेयर मार्केटिंग के ऊपर भी कुछ काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या होता है। अगर कुछ ऐसा आपका बिजनेस है तो भी आप यू नो ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा अपनी सर्विसेज आप लोगों को सेल कर सकते हैं, आपकी सेवाएं कि जहां पर आपका नॉलेज और आपका एक्सपर्टीज, आपकी कुशलता लोगों की मदद कर पाएगी उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। उसके बाद है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ग्लोबली सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पेंटिंग्स करते हैं तो आप पेंटिंग्स सेल करना चाहेंगे। अगर आप कुछ और बनाते हैं, यू नो अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिसमें हेल्दी खाना बन सके, तो आप वो मिट्टी के बर्तन भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप क्या सेल करना चाहेंगे और क्या क्या सेल कर सकते हैं उसमें। अब आपको एक बात बताऊं कि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एक चीज़ को आप लीजिए और उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, अच्छी तरह से उसके कोर्स कीजिए, स्टडी कीजिए, उसी के बाद उस बिज़नेस में आगे बढ़िए। ओके, डोंट आई वोंट सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अभी आपने जो वीडियो देखा बस उसी के आधार पर आप यू नो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस खोल लें, उसी के आधार पर आप एफिलिएट का बिज़नेस खोल दें, आई वोंट सजेस्ट दैट। अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। सी, ऑनलाइन बिजनेस मतलब आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पर लोग आ सके, उनको पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, आपकी वेबसाइट हो गई, उसके बाद ओके, यू नो इस वीडियो के नीचे मैं कुछ ऐसी लिंक्स छोड़ दूंगी आपके लिए कि जहाँ पर आपको पता चल सके कौन सी अच्छी वेबसाइट का होस्टिंग सर्विस आप ले सकते हैं, बिकॉज यू नो ऐसी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेकार होस्टिंग सर्विस मैं खुद ले चुकी हूँ जहाँ पर मेरी वेबसाइट कभी लोड नहीं होती थी। जब भी मेरे कस्टमर मेरी वेबसाइट पर कुछ ख़रीदना चाहते थे तो वेबसाइट कभी लोड ही नहीं होती थी। ओके, और इसीलिए कुछ सर्विसेज हैं कि जो मुझे मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, उसकी लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे आपके लिए छोड़ दूँगी जहाँ से आप वो ले सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, वो एक चीज़ मैं आपके लिए करूँगी। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वेबसाइट के साथ साथ, आपको चाहिए पेमेंट प्रोसेसर। तो पेमेंट प्रोसेसर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं कि जिससे आप लोगों से पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो गूगल पे भी है, UPI है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, वो सारी मेथड्स भी हैं। ओके, पेटीएम से भी पेमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद एक है कॉन्टैक्ट मेथड। अब कोई भी आपके पास कुछ भी ख़रीदता है तो अगर उनको कुछ ज़्यादा सवाल है तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करें, तो या तो आप ईमेल वाला ऑप्शन दे सकते हैं, या तो फ़ोन वाला ऑप्शन दे सकते हैं, या तो चैटबॉट। अब यू नो यूजुअली फ़ोन वाला ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं और मतलब एक ही तरह के कुछ सवाल होंगे कि जो वो फ़ोन कॉल करके पूछेंगे। अगर वही सारी चीज़ें यू नो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं या फिर आप ईमेल के द्वारा उनको बता सकते हैं, तो आपका उतना समय बच जाएगा और आप अपना वो समय कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने में गुजार सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ें बना सकें।
ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। और जैसे मैंने कहा, ये सारे के सारे जो बिज़नेस है, सी बिज़नेस डज़ नॉट वर्क ऑन, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है ये, बिज़नेस शायद चल पड़े तो, बिज़नेस कभी भी अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है। ओके और कोई भी बिज़नेस अगर आपको चलाना है तो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सालों का दर्दनाक एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बता रही हूँ, मार्केटिंग के बिना आपका बिज़नेस पक्का सो जाएगा। ओके तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो जी हाँ, तो और या एक और बात, मेरे बिज़नेस मेंटोर कि जो एक महीने के 75 लाख से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अगर आपको उनके पास सीखना है ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करना है, तो उनका वेबिनार का लिंक, फ्री वेबिनार का लिंक मैं नीचे रख देती हूँ, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर लीजिए। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो ऑनलाइन बिजनेस का जो फंडा है, हर एक व्यक्ति को मिल पाए। ओके बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।